देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सानू कितना अंदर साडे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर करदे। जो महापुरख आंदे ने ना, महापुरखां दा काम ही हुंदा हैगा आ, उन्हें अपने जीवन का कुछ नहीं करना। देख लो महापुरख नानक सर, जितने महापुरखों को देख लो, तन तन बाबा नंद सिंह जी, तन तन बाबा ईश्वर सिंह जी, उनके बाद भरोसा जो और महापुरख ने की उनके कोई जायदादां सीगियां। सर्वन करो प्रोग्राम कथा विचार भाई सुरिंदर सिंह जी गौरी दुबई वाले पासों हर सोमवार तो वीरवार तक सवेरे 8:40 सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी दे। बाबा तो निरंकार, तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार। वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए, वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए, 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 कदे भी न डोलिए। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार, जयकार बाबा, जय जयकार, जय जयकार बाबा, जय जयकार। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। उले
मार्ग जिने बताया ऐसा गुरवड पागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। दीन दर दुख पंजना कट कट नात अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। तपन होवे अंदरों लोभे नित माया नू फेरे जज मालिया अगे दे सत्या सत्य दी पिख्या ले नहीं पिछों दे पछता के आन तपे पुत विच वालिया। पांच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लहर है गालिया। जिथे थोड़ा तन वेखे तिथे तपा पिटे नाई तन बहुते डिटे तपे धर्म हारिया। परम सन्मान योग गुरु साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप महापुरख पुछो वाले दे कृपा सदका बाबा सुखदेव सिंह जी की कृपा दे सदका गुरुद्वारा वाहिगुरु निवास पश्चिम विहार विखे पूर्णमाशी का प्रोग्राम जो कि बाबा आनंद सिंह जी ने कहा सी कि इस रात नू जगराता संगत कीतियो है या एक पूरे 30 महीनों तेनों एक बोनस मिल जाता एडवांस दे विच। आम तौर पर कहते ना कि भी 11 महीने काम करके तेनों फिर एक महीना जाके बोनस मिलेगा, पर बाबा आनंद सिंह जी ने कहा सीगा कि तेरी दरगाह दे विच पूरे महीने की हाजिरी लग जाएगी। पर एक कदों कि जदों कृपा उद्यम महापुरख करते ने महापुरख सानू राह दसते ने महापुरख सानू जग्यासू नू जागृति पाते ने तो गुरबाणी दे विच भी इसे ही तरह है। क्योंकि जड़ा कि जग्यासू जड़े अजकल दे जड़े असी लोग है गए हैं चाहे परिवार वाले हैं चाहे काम काज करने वाले हैं मेरी भैनां ने मेरी मातावां ने मेरे वीर ने असी बाहरों कुछ होर है गए हाँ और अंदरों कुछ होर है गए हाँ। बाहरों असी बड़ा बार ज्ञान त्यान अंतर व्यापे लोभ सुवान ते दास ने भी जड़ा शब्द है कि गुरु रामदास महाराज जी ने के हर के दर वर्त्या सो नानक आख सुनाया। गुरु रामदास महाराज जी कहते ने कि दरगाह दे विच की होया सीगा मैं थानू दसदा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्द हैगा आ कि तपन होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिर जज मालिया अगो दे सद्या सत्य दी पिख्या लेने पिछों दे पछताए के आन तपे पुत विच बहा लिया। ए गुरु अंगद देव महाराज दे खडूर दी गल हैगी है। तपा कह लो कि तपस्वी कह लो साडे ऐसे जड़े कैसे बैठे बड़े आप नू चिट्टे लाल पीले कपड़े पा के बड़े धर्मात्मा बन के और दूजा तपा कह लो कि नाम वाला कह लो कि जरा कि गुरु ग्रंथ साहब जी 315 अंक से शब्द दिता हैगा आ कि गुरु अंगद देव महाराज ने देखा कि जरा तपा हैगा बड़ा पखंडी हैगा आ कर्मकांडी हैगा पर गुरु साहब ने बड़ी ईरखा कर दिया। तवज्जो देना मेरी प्यारी साज संगत कि गुरु साहब के नाल पखंडी जरा सीगा ईरखा करता सीगा ते गुरु साहब ने परखन दे लई क्या कि तपा जी असी भंडारा कर रहे हाँ तो तुसी आप कृपा करो। कहिंदा भी मैं जिथे थोड़ा तन वेखे तिथे तपा पिटे ने तन बहुत डिठे तपे धर्म मारिया। की आख्या कि तपा ने बंदर लोभी ने तमाया नो फिर जजमा लिया। अगे तवज्जो देना अगों दे सद्या सत्य दी पिख्या लई नहीं पिछों दे पछताए के आन तपे पुत विच बहा लिया। पहला गुरु अंगद देव महाराज जी ने तपे नू क्या किसी भंडारा कर रहे हैं कृपा करो तो तपे ने सोचा कि शायद उत्थे मेरे गुरुआं दे कोलों मैनू की मिलना हैगा आ। पर जदों पता चलिया कि गुरु अंगद देव महाराज जी ने खडूर साहब विखे जदों कि बाबा अमरदास जी अली गुरता विच नहीं सी आए तो गुरु अंगद देव महाराज जी ने कहा कि सारे सोने दो दो मोहरां मिलनगियां। तो कहिंदे ने गुरबाणी कहिंदे कि अगों दे सद्या
सत्ते दी पिख्या लेना ही सत्ते कहने के आदर दी पिख्या आदर दा सत्कार जड़ा माया मदिक दो दो सोने दी मोरा मिलियां सी गया। ये जड़े शब्द है ना ये साढ़े हर जगियासु दे जीवन नूं ठुकदा है क्योंकि असी बाहरों बड़े धार्मिक लोग है गए हाँ गुरुद्वारे जावांगे झाड़ू जोड़े भी चाड़ांगे झाड़ू पोचा भी लगावांगे गुरुद्वारे भी सेवा करांगे रात्रि दीवान च भी हाजरियां भरांगे ऐसे तरह बाहर जावांगे जाके से निंदा शुरू कर देंगे। तो कहते हैं कि अगों से सद्या सत्य की पिख्या नहीं पिछों से पछता के आण तप्पे पुत विच बहा लिया कि जदों के खडूर साहब तो अंगद जो तप्पे नूं पता चलिया तप्पा कह लो नाम कह लो तपस्वी तपस्वी कह लो जड़े कि जोड़िया साढ़े पंजाब के जितना भी पखंडबाजी हो रहा अच्छा हर धर्म के बच्चे है देख लो एक दिल्ली जेल के भी मैं ना ना लव जिंद हद तक बेल नहीं होंगी पर जिन्हें गुरु नानक की निरादरी की है मैं वो ना नहीं लेंदा तो यह जी अच्छ कनेडा के मीडिया जो चले जाओ मीडिया च इतना साढ़े सिख कौम गाइड मिसगाइड किया जा रहा है फलाना पीर हैगा फलाना कबर हैगा फलानी जगह पर हैगा या फलाना बाबा ये साढ़े बड़े उच्चे बाबा जी ने जो स्थान बनता पे ना तो दस से दिल्ली दूसरे गुरुद्वारे के गया तो कित प्रोग्राम करते कि मैं कितने बाई चांस कित कुछ बाबे के बारे कमी पेशी कर दी गल कहती निंदा नहीं की पर जो भी कि बाबे के पिछे ना लगना मैं जो प्रोग्राम करके बाहर निकलिया ना तो कुछ बीबिया पै गया मेरे पिछे कि तुम साढ़े बाबा जी की बेइज्जती की साढ़े बाबा जी बड़े उच्चे बाबा जी ने मैनू हाली तक को याद आता पैगा बाबा उच्चे है जिन्हें तो लड़ तुम लगे हुए हो जड़े कि थानू अपनी ना जिन्हें कोई दिन है ना कोई रात है हर हर रोज़ हजार हजार किलोमीटर करके साढ़े जग्यासों राह पा रहे हैं देख लो वो गुरुद्वारा वाहगुरु निवास विखे महासंपड़ अखंड पाठ चल रहे हैं एक ही कृपा बाबा सुखदेव सिंह की कृपा तो गुरबाणी की लड़ जरा सू असली लगाता पहला पछाण असी आप करनी है बहरों किसी के कहते ना कहने के मेरे बाबा जी बड़े चंगे ने बाबे चंगे सारे ने पर भाई तू पछाण करनी है कि तेन गुरु नानक की लड़ कौन लगा रहा है तो इस तरह शब्द कहता कि अगों दे सद्या सत्य की पिख्या रही पिछों दे पछताए के आण तप्पे पुत विच बहा लिया सानू पता चलिया ना कि अज गुरुद्वारे साहब वड्डे बच्चों नूं इनाम प्राइज वगैरह मिलना है जां बीबिया नूं जां कुछ पता चलेगा तो सारे आवांगे कि टीवी दे विच मेरी फोटो आएगी इस गलों नूं मेरी प्यारी साध संगत परहेज करना तो गुरबाणी क्योंकि जिहड़ा तप्पा सीगा गुरु अंगद देव महाराज ने ईरखा करदा सीगा खडूर साहब दे विच बरखा नहीं होई तो हुण तप्पे नूं बहाना मिलिया कि मैं गुरु नूं इत्थों मैं कढ़ा क्योंकि जिहदे पिछे ज़्यादा इहनूं मानदे हैगे ने क्योंकि गुरु साहब साढ़े जड़े ने परिवारिक ने समाजिक है बच्चे ने घर है किरत विहार है सारा कुछ हैगा आ क्योंकि सिखी धर्म जड़ा हैगा जग्यासुआं दा धर्म है आखू सतनाम श्री वाहे सिखी धर्म जड़ा हैगा मातावां दा सिखी धर्म हैगा पिता दा सिखी धर्म हैगा माता पिता दा सिखी धर्म दे पुत्र भी है औलाद भी है अपने गुरु साहिबान देख लो एक गुरु तो लैके दसवीं गुरु तक श्री गुरु हरकृष्ण साहब नूं छड़ के सारे गुरु साहिबान परिवारिक सीगे जिस तरह कि अज गुरु मेरी प्यारी साध संगत रैंस बाई दा प्रोग्राम मना रही हैगी है ते कि जिथे थोड़ा तन विखे तप्पा पिटे ने तन बहुते डिटे तप्पे धर्म हारिया क्योंकि गुरु अंगद देव महाराज दे नाल ईरखा करदा सीगा ते जदों खडूर साहब दे च बरखा नहीं होई तां हुण इह तप्पे नूं बहाना मिलिया तो लोगों को कहता कि थानू बरखा चाहिए है क्योंकि थोड़े डंगर मरते पे ने बच्चों के लिए खुराक नहीं बच्चों के लिए भोजन नहीं बच्चों के लिए पानी नहीं है तुसी इस नकली गुरु को कढ़ो दस जिदा आप जी ने पहला शब्द में कह के हर के दर वरते सो नानक आप सुनाया गुरु रामदास साहब महाराज दसते पे ने कि हरी के दर के होया सचखंड की होया इस शब्द सच्चाई है ये साढ़े जैसे जग्यासों ने एक मार्ग दे पाएगा कि असं किसी भुलेखे च ना रही है तो तप्पे ने की ईरखा तो पिंडा वाले कहता कि इस नकली गुरु ने तो इसको कढ़ो देखो बरखा होएगी तो हूँ मरता नहीं क्या करता उन्होंने अपने पिंडा वाले ने कहा कि गुरु अंगद देव महाराज को कढ़ो इतों जो तो गुरु अंगद देव में कढ़िया तप्पे ने कहा कि बरखा नहीं होगी बरखा करो इतने तप्पा तप्पा कहता कि मेरे हाथ कोई कोई जादू छड़ी हैगी है बरखा हो जाएगी हूँ सारे परिवार वाले जग्यासु लोग खेत फसल मारती पई हैगी है पानी है नहीं हो दुध का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है तो चांस की गल है कि जो के
बाबा अमरदास जी, गुरु अंगद, गुरु अमरदास महाराज, सॉरी गुरु अमरदास महाराज जी तीजे पातशाही जो खडूर साहब आए, देखा कि साढ़े गुरु साहबान नहीं है, पूछा की गल गुरु साहब कितने गए, कहते जी उन्होंने उन्होंने पिंड चो कढ़ दिता क्योंकि बरखा नहीं सी हो रही। कहते बाबा अमरदास जी तीजे पातशाह कहते कि थानू बरखा चाहिए, बरसात चाहिए, तो एक काम करो, इस तप्पे हूँ दोपहर तो लैके शाम सूरज ढलन तक इसनों तुसी अपने खेतों लैके जाओ, हूँ समय तो लैके शाम दे सूरज ढलन तक जड़ा भी इस तप्पे बाबा अमरदास जी कह रहे ने। खडूर साहब आए, देखा कि मेरा गुरु इतने नहीं है, गुरु अंगद देव महाराज नहीं है, गुरु अंगद देव महाराज जी ने पिंड दे विचों कढ़ दिता है क्योंकि तप्पा पखंड करता है, क्योंकि दास साहब ने फिर साझा करेगा कि तप्पा न होवे अंदरों लोभी, नहीं तो माया न फिर जज मा लिया, अगों दे सद्या सत्य की भिख्या लेनी, पिछों दे पछताए के आन तप्पे पुत विच बहा लिया। जदों के पता चलिया कि तप्पे नूं कि इत्थे भंडारे दे दो दो सुण दे मोहरां मिलियां, पहला कहिंदा मैं भेटां नहीं लैंदा हैगा, पिछों उहने कंध टपा के अपने पुत्तर नूं विच भंडारे 'च बिठाता। पंच लोग सब बसन लगे, तप्पा लोभ लहरा गा लिया, जिहड़े पिंड दे मुखी सीगे ना कि पंच लोग सब हसन लगे, तप्पा लोभ लहरा गा लिया, बेचारे दी लत वी टुट गई हैगी है। तो पिंड के मुखी कहते हैं कि देखिए इन तप्पे पहले तो कहता कि मैं भेटा नहीं लैंदा है, तो हूँ अपने पुत्र बहा लिया, गुरु अंगद देव महाराज ने ईरखा करता है, तो जो ईरखा की हैगी है, तो जो गुरु अमरदास महाराज जी आए कहते कि थानू बरखा चाहिए, थानू बरसात चाहिए, थानू पानी चाहिए, थानू खेतों हरियावल चाहिए हैगी है, हूँ दोपहर के समय तो लैके शाम के सूरज ढलन तो पहला पहला इस तप्पे जड़ा जड़ भी अपने खेतों से लै जाएगा, ओदे खेतों च बरखा होएगी, बारिश होएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर ते कृपा करो, वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ते इस तरह जदों कि हुण देखिया कि भी हर एक ने जीव ने कहा कि शाम तो पहला मेरे खेत दे विच तप्पा नूं लैके जाना, कोई तप्पे की बांह खिंचता, कोई तप्पे का हथ खिंचता, कोई तप्पे के कन्न खिंचता, कोई सिर तो खिंचता, कोई पैर तो, शाम हूं टलन तक तप्पे के पतन शरीर के हजार टुकड़े हो गए। कादे लई? क्योंकि असी अज जड़े संसार सानू चंगे मार्ग से पा रहे ना, असी उन्हां दे पिछे ईरखा करते हैं। कोई कहिंदा रहन सभाई की हुंदा, की तुसी मैनू कहन ना दो स्टेज के उत्ते, ए रहन सभाई की हैगा आ, दिल दे विच रैंस भई होवे इहो जिहे जग्यासू हुंदे ने, इह खंड पाठ की हुंदा हैगा आ, माफ करना। जदों इहो जिहे असीं गल्लां करदे आ ना, फिर इही शब्द तां गुरु रामदास जी कहिंदे कि हर के दर वरत्या सो नानक आख सुनाया, गुरु रामदास है महाराज जी ने कहा। ते शाम तक तप्पे दे पता नहीं शरीर दे कितने टुकड़े हो गए, क्यों? ईरखा करदा सीगा मेरे गुरु नानक दे नाल, मेरे गुरु नानक दी जोत दे नाल ईरखा करदा सीगा, तो उसका क्यों कि शाम तक उसके टुकड़े हो गए। तो जो गुरु बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव महाराज जी के कोल गए तो उन्होंने पिट कर ली, कहते भाई की गल, ये तू क्यों की किया इदा? कहिंदा सच्चे पातशाह तुहाडे निरादरी की है। कहिंदा जे निरादरी कीते तां कि साडे शक्ति साडे कोल नहीं सीगी, गुरु घरां दे विच कदी भी जड़ी ने शक्ति नहीं वरतदी। गुरु नानक साहब ने जड़ी उदासियां कीतियां मगरब दे विच गए, अरब देशां दे विच गए, जाके जितने भी उदासियां कीतियां देख लो, परिवार छड्या, बच्चे छड्डे, तलवंडी छड्डी, सारा कुछ छड्या उन्होंने, और की हैगा 10-12 साल करीब 12,000 माइल का पेंडा कीता हैगा साढ़े इसे जग्यासू नूं मार्ग दे पांदिल के भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु उड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बसरे हिरदे गुरु चरण प्यारे। देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सानू कितना अंदर साढ़े अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर करदी। जदों महापुरख आंदे ने ना, महापुरखां दा काम ही हुंदा हैगा आ, उन्हें अपने जीवन का कुछ नहीं करना। देख लो महापुरख नानक सर, जितने महापुरखां दे देख लो, धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, उहदे बाद भरोसा जिहड़े होर महापुरख ने, की इहनां दी कोई जायदादां सीगियां? सरवण करो प्रोग्राम कथा विचार, भाई सुरिंदर सिंह जी गौरी दुबई वालिया पासों
हर सोमवार तो वीरवार तक सवेरे 8:40 सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी ते।